मैं इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट अचानक चेंज होने पर किसानों के अंदर आक्रोश है और दिन प्रतिदिन जो है किसान जो है धरना प्रदर्शन और दिन प्रतिदिन जो है गांव-गांव में लोग जो है मीटिंग कर रहे हैं इसी बात को लेकर, जो कि 15 महीनों से जो है गंगा एक्सप्रेसवे का जो अलाइनमेंट और जो सर्वे था वो भी कम्प्लीट कर दिया गया था गंगा एक्सप्रेसवे का, और किसानों को पटवारी के माध्यम से जो है किसानों को बता दिया गया था कि आपकी जमीन किसानों कि इतनी जा रही है, उसकी एक लिस्ट भी जारी कर दी गई थी। लेकिन अभी 8-7 दिन पहले ही जैसे ही यूपीडीए की वेबसाइट पे जैसे गंगा एक्सप्रेसवे अलाइनमेंट चेंज कर दिया गया है और हाजीपुर से अब उसको स्टार्ट करा जाएगा। मतलब पहले जो स्टार्ट किया जाना था NH-58 से जो है काशी गांव से शुरू होना था गंगा एक्सप्रेसवे, अब इसको बदलकर हाजीपुर से कर दिया गया है। इसी बात को लेकर जो है किसानों के अंदर जो है बहुत आक्रोश है और इसी बात को लेकर जो है धरना प्रदर्शन की दिन प्रतिदिन जो है बातें चल रही है। इसी बात को लेकर जो जो हमारे क्षेत्रीय और हमारे जो जिला मेरठ के जो सांसद और हमारे विधायक जी हैं उनसे मिले भी हैं, और उसी चीज़ को लेकर जो है सांसद जी से किसानों की झड़प भी हुई है, उसी चीज़ को लेकर जो है अब जो है उस पर टिप्पणी हो रही है। मतलब राजनीति पार्टियों ने भी इस पर अब जो है आक्रोश आ गया है, जो किसानों के साथ भ्रष्टाचार और अन्याय हो रहा है उस चीज़ को लेकर जो है हमारे सांसद जी की किसानों पर जो टिप्पणी की गई थी उस बात को लेकर जो है काफ़ी किसान नाराज है, क्योंकि किसानों ने बोला था कि जो हमारे क्षेत्र है सारा एक BJP का गठन है, पूरा क्षेत्र का क्षेत्र, और हमने आपको जिताकर इसलिए आज के दिन के लिए नहीं बिठाया था कि हमारे क्षेत्र से अलाइनमेंट को हमारे क्षेत्र को ख़त्म करके और नए क्षेत्र में उसको अलाइनमेंट को लिया जा रहा है। इसी बात को लेकर जो आज के अखबार में जो छपी हुई है मैं अब आपको पढ़कर बताता हूं, और इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं कि जो झड़प हुई है सांसद रघवाल जी के साथ किसानों के साथ में दिन प्रतिदिन अखबार न्यूज़ में आ रही है रिपोर्ट, और सोशल मीडिया पर ट्विटर फेसबुक पर भी इसकी जो है एक जंग छिड़ गई है। इसी साथ साथ जो है आपके जो सपा नेता है अतुल प्रधान जी इस किसानों के इस संघर्ष में किसानों की इस लड़ाई में कूद चुके हैं कि अतुल प्रधान जी ने क्या कहा है। सांसद के किसान पर की गई टिप्पणी पर राजनीति शुरू। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ, गंगा एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट बदलने को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। सपा नेता ने सांसद राजेंद्र अग्रवाल को घेरते हुए किसानों से तीखी टिप्पणी करने की निंदा की है। सपा नेता अतुल प्रधान ने फेसबुक पर किसानों और सांसद के बीच हुई वार्ता की वीडियो अपलोड कर सवाल खड़े किए हैं। शुक्रवार को किसानों का पृथ्वी मंडल खरकोदा से अलाइनमेंट बदले जाने को लेकर सांसद आवास पर गए। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने उनसे कहा था कि ये प्रदेश सरकार का मामला है, मेरा लखनऊ आना जाना नहीं। हालांकि फिर भी उस उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी से बात करूंगा। इस जवाब पर किसान भड़क गए। किसके बाद किसानों ने कहा कि हमने आपको प्रतिनिधित्व सौंपा है, आप भी मेरठ और हापुड़ के जनप्रतिनिधि है। इस वीडियो को लेकर शनिवार हापुड़ को सोशल मीडिया पर चर्चा चलती रही। सपा नेता इंदर मुनी भाजपा सांसद त्यागी जी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए भाजपा सांसद पर टिप्पणी की है। इसके बाद ट्विटर पर भी इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ये गंगा एक्सप्रेसवे का जो अलाइनमेंट है काफ़ी समय से जो योगी आदित्यनाथ जी का जो एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है और मेरठ स्टार्ट से होना था और काशी गांव से ये स्टार्ट होना था क्षेत्र से और NH-58 जो कि सारे रोड जितने भी होते हैं आपका हरिद्वार हो दिल्ली हो चाहे मुंबई जाना हो कहीं भी जाना हो A to Z NH-58 से आप कहीं भी जा सकते हो। लेकिन अब जो बवाल मचा हुआ है किसानों के अंदर जो दिन प्रतिदिन जो है इस पर जो है संघर्ष चल रहा है इस बात को लेकर कि जो पुराना अलाइनमेंट है वो ही रहना चाहिए, और इसी बात को लेकर जो है राजनीति गरमाने लगी है और ट्विटर अकाउंट फेसबुक पर भी इसकी लड़ाई शुरू हो चुकी है। किसान आंदोलन की मांग कर रहे हैं। किसान अगर ये सर्वे पुराना अगर नहीं रहता है तो किसान आंदोलन करेंगे, और मैं आपको बता दूं राजनीति पार्टियां भी इसमें कूद चुकी है और एक जंग छिड़ चुकी है। आगे देखते हैं क्या होता है, जैसे ही हमें कोई रिपोर्ट मिलती है तुरंत हम आपको इसके ऊपर जानकारी उपलब्ध करा देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।